बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गज़वाहन तक की बात, जब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी घरों को लौट आए तो हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जख्मी होने के पेश नजर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने मस्जिद नबी की सेहन में एक खेमा लगवा कर उन्हें वही मुंतकिल कर दिया ताकि उनकी देखभाल पर पूरी तवज्जो दी जा सके। अभी हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने हथियार उतार कर गुस्ल किया ही था की हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम गुबार अलूद हालत में तशरीफ ले आए और फरमाया, आपने हथियार उतार दिए जबकि अभी तक हम फरिश्तों ने हथियार नहीं उतारे, आप यलगार करें। हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने पूछा, कहां? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बनू कुरैज़ा की तरफ इशारा किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम का ये नजूल इसलिए था ताकि वाज़ह हो जाए कि अल्लाह का हुक्म यही है और बाद में किसी को भी इस मुहिम के बरहक और जरूरी होने में शक बाकी न रहे। अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ न लाते तब भी हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बनू कुरैज़ा की शरंगेज़ी और बदअख्ती को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, जिन्होंने जंग के नाजुक तरीन अवकात में उनकी पुश्त पर खंजर ताना था। अलबत्ता हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम इस कार्रवाई को चंद दिन मुअख्खर करके मुजाहिदीन को आराम देना चाहते थे, ताहम अब आसमानी हुक्म के बाद ठहरने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम उसी रोज खंदक के तक्के मानदे मुजाहिदीन को बनू कुरैज़ा की तरफ रवाना फरमा दिया और फरमाया, तुम भी से कोई भी बनू कुरैज़ा के इलाके में पहुंचने से पहले असर की नमाज ना पढ़े। चुनांचे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़ी तेजी से उससे मत रवाना हो गए। रास्ते में असर का वक्त हुआ तो बाद सहाबा ने ये सोचकर असर की नमाज अदा कर ली कि उस ताकीद का मकसद जल्द रवानगी कराना था, न कि नमाज में तहीर कराना। बास हजरात ने हिदायत पर लफ्ज ब लफ्ज अमल किया और बनू कुरैज़ा के किले के सामने पहुँच कर तहीर के साथ नमाज असर अदा की। हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने किसी के अमल को गलत नहीं कहा। इस किस्म के वाकियात से इत्तेहाद की मशरूयत साबित होती है। शाम को बनू कुरैज़ा की किलों का मुहासिरा कर लिया गया। आखिर 25 दिन बाद बनू कुरैज़ा की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने हथियार डाल दिए। तो ये हुआ कि उनके मुस्तकबिल का फैसला हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करेंगे। वो इस्लाम से कबल बनू कुरैज़ा की करीबी दोस्त रहे थे, इसलिए न सिर्फ बनू कुरैज़ा बल्कि खुद अंसार को भी यही तवक्को थी कि वह माज़ी के तअल्लुकात का लिहाज रखते हुए नरम फैसला करेंगे। ज्यादा से ज्यादा बनू किनोका और बनू नज़ीर की तरह उनको जलावतनी की सजा सुनाएंगे मगर जान बख्शी जरूर कर देंगे। लेकिन उस दिन हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निगाह इस्लाम के मफाद के सिवा किसी चीज पर मरकूज न थी। वो हर रिश्ते नाते को बुला चुके थे। जब उन्हें सहारा देकर मजलिस कज़ा में लाया गया तो वो कह रहे थे कि आज मैं अल्लाह और इसके रसूल की खातिर किसी की मुलामत का लिहाज नहीं करूँगा। फरीकीन की रजामंदी से उन्हें फैसले का इख्तियार दिया गया तो उन्होंने ऐलान किया, बनू कुरैज़ा के लड़ने के काबिल मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, औरतों को बांदियाँ और बच्चों को गुलाम बना लिया जाए। ये सुनकर सब दंग रह गए मगर हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने फरमाया, साद ने अल्लाह के फैसले के मुताबिक फैसला किया है। फैसले पर उसी तरह अमल दरामत हुआ। बनू कुरैज़ा के 400 जंगजू मर्द कत्ल कर दिए गए। हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बनू कुरैज़ा का अंजाम देखने के लिए ही जी रहे थे। उसके फौरन बाद उनकी जख्म से खून बह पड़ा और वो हाल के हकीकी से जा मिले। बनू कुरैज़ा से ये सलूक यकीनन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम की मामूल के खिलाफ था। हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम उनकी जान बख्शी कर सकते थे मगर आपने सजा जारी करने को तरजीह दी। इसका असल सबब तो यही था कि आसमानी हुक्म यही था। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर बनू कुरैज़ा पर हमले को एक दिन भी मुलतवी नहीं होने दिया, इसी तरह इन मुजरमों की सजा भी आसमान पर तय हो चुकी थी जो साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जुबान पर जारी हो गयी। दुनिया के सबका और मौजूदा कानून के मुताबिक भी बागियों को मौत की सजा दी जाती है। खुद यहूदियों की मजहबी किताब तौरात ऐसे कजिए में सजाए मौत सुनाती है जैसे कि अहदनामा अतीक में है कि खुदावंद किसी शहर को तेरे कब्जे में कर दे तो उसके हर मर्द को तलवार की धार से कतल कर। रही ये बात कि आसमानी हुक्म से हटकर क्या इस अकदाम के पीछे कोई खास जमीनी वजह भी कार फरमाती? इसका जवाब अजबात में है मगर वजह ये ना थी कि वो लोग यहूदी थे, क्योंकि यहूदी तो बनू किनोका और बनू नज़ीर भी थे मगर हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने उनसे ऐसा सख्त सलूक नहीं किया। जमीनी वजह बनू कुरैज़ा की तबी शरंगेज़ी भी ना थी क्योंकि दूसरे यहूदी भी यकीनन फितना परवर थे जिन्हें हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने जलावतन करने पर इत्तेफाक किया था। फिर बनू कुरैज़ा से रियायत न भरने की वजह क्या थी? अगर गौर करें तो मालूम होगा कि बनू किनोका और बनू नज़ीर की तरफ से शरंगेज़ियाँ और बदअहदियाँ आम हालात में हुई थी जबकि बनू कुरैज़ा ने एलानिया बगावत का गनावना जुर्म इस्लामी रियासत पर आयन बिरूनी हमले के दौरान किया था जिसकी वजह से उस जुर्म की संगीनी कई गुना बढ़ गई थी।
थी, इसलिए उन्हें संगीन तरीन जुर्म के मुताबिक नहायत कड़ी सजा दी गई। नाजरीन इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तरीही तहकीकी और मालूमती वीडियो के साथ। अल्लाह के हबाब।